तीन चार साल हो गया टीम टूट रही, स्ट्रगल करते जा रहे हो, कभी टीम काम करती भी है कभी नहीं भी करती है, पे आउट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सारे मैनेजर इनका पे आउट भी नहीं आता है, कभी 20,000 कभी 50,000 कभी 70,000 कभी कभी 1.5 लाख भी। हम मेहनत तो कर रहे हैं मैनेजर के लिए बट स्टिल नॉट स्टेबल। सो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाद ऐसे बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस थे और बहुत सारे मेरे को डीएम भी आ रहे थे कि सर आप पार्ट 4 कब लाओगे। इसके लिए सॉरी कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया पार्ट 4 के लिए, बिकॉज मैंने कुछ रिसर्च किया है, देन मैं यहाँ पे पार्ट 4 लाया हूँ, ठीक है। बहुत सारे पर्सन्स मेरे को मतलब कमेंट में भी बोल रहे थे, इंस्टाग्राम में बोल रहे थे कि यार भाई क्यों फालतू कर रहे हो, क्यों ये बना रहे हो, क्यों हेट फैला रहे हो। भाई देखो मैं कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, मैंने पहले एक चीज़ बोली है, अगर लोगों को अवेयर करना अच्छी बात है भाई। अब संदीप महेश्वरी थे, अभी आपने देखे होंगे सर ने, उन्होंने एमलम के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग को खूब कुछ बोला, आपने उनको नहीं जाके बोल दिया कुछ, कुछ हुआ उनका नहीं हुआ ना भाई, वो अवेयर कर रहे हैं, वो तो साफ साफ बोलते हैं एमएलएम फ्रॉड है, एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड। तो फ्रॉड है क्या वो? नहीं है भाई, स्कैम नहीं है। लोग अगर कमा रहे हैं काम कर रहे हैं तो कोई चीज़ फ्रॉड नहीं होती है, सिंपल सी बात है भाई, तो फ्रॉड नहीं है। तो भाई लोगों को अवेयर करना ही बहुत कुछ है भाई, आप लोग हो भाई, आप लोग अगर डाउट में रहते हो चीज़ें हो भाई, अब अवेयर हो रहे हो, दिक्कत क्या है उसमें, दिक्कत थोड़ी है। आप अगर जो फॉरएवर कर रहे हो फॉरएवर कंटिन्यू करो, अगर आपको लगता है मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है या फिर आप पार्ट 4 देख के कि भाई अगर हाँ भाई बेस्ट है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई डिसीजन आपका है, आप डिसीजन लो ना। सो अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 नहीं देखा है ना, सो अभी आप मेरे चैनल पे जाओ, मेरा पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो, सारी आपको सच्चाई पता लग जाएगी फॉरएवर लिविंग क्या है, हमें इसमें कैसे ग्रो करना है, नहीं करना है, ग्रो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सारा कुछ मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ एएम एंड मैनेजर्स के बारे में, कि जो एएम होते हैं फर्म में, जो मैनेजर्स होते हैं, वो किस किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, फिर आपको फेस करना होगा अगर आप फॉरएवर को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट कर चुके हो, किन किन चीज़ों को आपको देखना होगा। फर्स्ट पॉइंट है मेरा एएम के लिए, जो अभी एएम है यहाँ पर, बहुत सारे जो जिस क्लब में मैं काम करता था वहाँ पर बहुत सारे एएम थे जो कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 5 साल से मतलब 3 3 साल से लगे हुए थे, बट स्टिल उनकी पहले टीम थी वो टूट गई, ठीक है, फिर टीम बनी, फिर टीम टूट गई, मतलब 3 से 4 साल वो बंदा काम करता जा रहा है बट ओवरऑल क्या हो रहा है, टीम बन रही है टूट रही है, बन रही है टूट रही है, सेम चीज़ें हो रही थी, ठीक है। वो बंदा स्ट्रगल करता जा रहा है चलो वो बात ठीक है। अब वो बंदा एएम के बाद मैनेजर बन गया, आप मैनेजर और आपके डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर हैं, ठीक है। अब जो 2 सुपरवाइजर है, मान लो एक सुपरवाइजर ने बिजनेस को क्विट कर दिया, मान लो एग्जाम्पल मैं मैनेजर हूँ, एक दो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजर, बाकी मेरे एएस हैं, अब उन 2 सुपरवाइजर में से एक सुपरवाइजर ने बिजनेस को क्विट कर दिया, वो बंदा चला गया, ठीक है। और उसके बाद में मान लो कि एक सुपरवाइजर है वो अच्छे से सीसीआर नहीं दे पा रहा, उसके साइड से सीसीआर नहीं आ रही हैं, ठीक है, मतलब मान लो सुपरवाइजर है वो 10 सीसी दे पा रहा है, 12 सीसी दे पा रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि होता है भाई काम नहीं चलता, आपको पता है इस सब बात को, वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके जो बाकी एएस हैं, वो एएस देखो आपको पता है एएस भाई डीमोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ओवरऑल मिला के अगर आप 15 से 20 सीसी मान लो 30 सीसी भी एग्जाम्पल में करें तो 25 सीसी आने लग रही हैं, तो क्या पता मैनेजर का पेआउट यहाँ तक 1 लाख रुपये बन जाता है, मुझे पता है, बट आपको पता है कि हर मंथ ये सीन नहीं होता है। कभी कभी अगर आप सुपरवाइजर हैं, अगर आप एक एएस हैं ना, तो आपको भी पता होगा कि कभी कभी ऐसा आता है कि आपके डायरेक्ट में एक बिलिंग भी नहीं होती यार, बिलिंग जैसे 5,000 रुपये की बिलिंग भी नहीं होती है, तो भाई ओवरऑल ही जाता मैनेजर के पास में ही है आपके, अगर आप नहीं करोगे तो मैनेजर को पे आउट नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए। एंड फिर वही बात होती है ना, अगर देखो टीम काम नहीं कर रही, चीज़ें नहीं हो रही, मैनेजर का पे आउट भी नहीं आता है। देखो यार ये चीज़ मैं सबके लिए नहीं बोलना चाहूँगा, अब आप हर चीज़ के लिए लेकर बैठोगे कि तो भाई मेरे मैनेजर को तो पे आउट आता है, 1.5 लाख आता है, 2 लाख आता है, भाई ऐसा नहीं कर रहा कि हर किसी के साथ होता है। मैंने अपने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में भी बोला कि हर किसी के साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं, कि हर किसी का पे आउट नहीं आता है, पे आउट आते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट हर किसी के नहीं आते हैं। आप जो कहते हो ना मैनेजर बन जाओ बस मैं, मुझे काम नहीं करना पड़ता, 1 लाख रुपये आएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप ये सोच में हो ना कि एक बार मैनेजर बन जाऊँ, एक बार सुपरवाइजर बन जाऊँ, एएम बन जाऊँ, उसके बाद तो काम नहीं करना, बट पैसा ही पैसा आएगा, मैं काम करूँ या ना करूँ, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप एक मंथ भी काम नहीं करोगे ना, एक भी रत्ती नहीं कमाओगे भाई, रत्ती भी, आपको पता है आफ्टर द मैनेजर, अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं करते हो तो पे आउट नहीं आएगा। आफ्टर द मैनेजर आपकी जो एक फ्रंट लाइन है, जो एक मैनेजर लेग है, उससे अलग आप 12 सीसी नहीं करते हो तो आपको उस लाइन से पे आउट नहीं आएगा। बहुत सारे सच्चाई है भाई, ये सच्चाई आपके अप्लायंस, आपके मेंटर्स नहीं बताते हैं, मुझे पता है। उसका रीजन क्या है कि आप डिमोटिवेट हो सकते हो, आप उनके साथ में फेल्पी को क्विट कर सकते हो, बट ये एग्जैक्ट रियलिटी है। अच्छी बात भी है, अगर आप फॉरएवर लिविंग करने लग रहे हो तो बेशक करो, मना नहीं करता, कोई भी इंसान मना नहीं करेगा आपको, बट सच्चाई जान के करो। मैं ये चीज़ें सच्चाई जान चुका था, जान लिया था मैंने, देन ही डिसीजन लिया,
और देखो डिसीजंस ऐसे नहीं लिया मैंने कि इतने छोटे से चैलेंजेस को मैं कर ना पाऊंगा यार। जब मैं डायरेक्ट में 10-10 CC या भाई हिट करता हूँ भाई, तो बड़ी बात थोड़ी है मेरे लिए। एक्टिव करना फिर 12 CC करना मेरे बाद बड़ी बात नहीं मेरे लिए। आज मेरा सोशल मीडिया है इतना ग्रो करने लग रहा है, तो भाई कोई भी बड़ी बात नहीं होती। बट एक जो सबसे बड़ी बात होती है ना, हम लोग मेहनत करते हैं मैनेजर लेवल के लिए। हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैनेजर बन जाए। हमारी फैमिली ये सोचती है कि एक बार मैनेजर बन जाए हमारी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए हो जाएगी। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता यार, नहीं होता। हम मैनेजर के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग एक स्टेबल नहीं होते हैं कि हमारी इनकम 1 लाख रुपए हो जाएगी। मुझे पता है आप बोलोगे सर बिजनेस है, बिजनेस में तो कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, इससे अच्छा जॉब ही हम कर लें। बट आप मुझे बताओ यार, हमने मेहनत की 3 से 4 साल मैनेजर लेवल के लिए, ठीक है, हमने इतना पैसा भी नहीं कमा पाया। AS पे, सुपरवाइज़र पे, AM पे इतना हमने पैसा भी नहीं कमाया। जितना कमाया पैसा हमने लीड में लगा दिया। अब अगर मैनेजर के बाद भी वही चीज़ें, हम स्टेबल नहीं हैं और चीज़ें नहीं हैं, तो भाई भाई क्यों फिर? आप मुझे बताओ ना, अगर मैनेजर के बाद भी आपकी स्टेबल इनकम नहीं है 1 लाख रुपए, भाई सीनियर्स में मेरे में भी भाई कोई स्टेबल इनकम नहीं थी। कभी तो भाई खुद की 4 CC एक्टिव नहीं हो रही है, कभी टीम में नहीं हो रही तो खुद की हो रही है। क्या पता कभी 50,000 चेक, कभी 40,000, कभी 60,000 चेक, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें भाई होने लग रही थी। मैनेजर में ये चीज़ें होती हैं। आपको पता है टोटल जितनी टीम की CC होंगी वही एक मैनेजर का पे आउट होता है। मैंने वही बात बोली एंड में आपको, अगर टीम काम नहीं कर रही देन क्या करोगे? देखो यार, मैं इस वीडियो को थ्रू ना ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इतना समझाना चाहूँगा आप सबको, अगर अभी आप फॉरएवर लिविंग कर रहे हो, मुझे कोई हेट नहीं है फॉरएवर लिविंग से, ठीक है, बिकॉज मैं एक फॉरएवर लिविंग का पार्ट था, मैंने बहुत पैसा कमाया। मैं मना नहीं करता उस चीज़ को, फॉरएवर लिविंग बहुत बेस्ट कंपनी है, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, कोई हेट नहीं है, आई प्रॉमिस यार, कोई हेट नहीं मेरा उससे। बट मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगा, आपके सीनियर्स या फिर बहुत सारे बोलते होंगे कि एक के अलावा आप दूसरा रास्ता मत पकड़ो। बट आप मुझे बताओ, अब अगर अभी आप एक जॉब कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई कर लूँ मेरी नौकरी मिल सकती है, अगर इतना ही आप हो ना, तो आप जॉब क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि आपको इतना ट्रस्ट नहीं है भाई, आपको इनकम नहीं आ रही भाई फॉरएवर लिविंग से। मैं इतना बोलना चाहूँगा यार, अगर आप एक ऑनलाइन फील्ड में काम ही करना है ना आपको, अगर आपने कसम खा ही ली है कि मुझे फॉरएवर लिविंग करना है, इसके अलावा नहीं करना है, बट अगर आपकी इनकम भी नहीं आ रही, तो आप अगर आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ऐसा सर्च कर लेते हो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कम हो, लोग जल्दी ट्रस्ट भी कर सकें, लोगों का पैसा भी कम लगता हो, या फिर कुछ भी चीज़ें हो, आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हो। बहुत सारे पर्सन बोलेंगे यहाँ पे, ये देखो अपनी लीड्स निकालने आ गया। भाई मैं नहीं कहता भाई आप मेरे साथ स्टार्ट करो, मैंने कभी नहीं बोला ये चीज़ कि आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ मेरा बिजनेस ज्वाइन करो, एफिलिएट करो, ये करो। भाई वो तेरे लिए कह रहा हूँ भाई, जो तू सोच रहा होगा, जो जो हेटर्स होगा भाई, मैं पहले बोलने लग रहा हूँ, मैं आप सबको मैं नहीं कहता कि आप मेरे साथ आओ स्टार्ट करो, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। बट आप मुझे बताओ यार, आप लोग फॉरएवर लिविंग भी कर रहे हो भाई, इनकम के लिए तो कर रहे हो ना, पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हो ना। अभी अगर आप फॉरएवर लिविंग कर रहे हो, अगर मैं आपको बोल दूँ आप फॉरएवर लिविंग क्विट कर दो, मैं आपको 2 लाख रुपए की सैलरी दूंगा अदरवे से, क्या आप नहीं करोगे? कर लोगे ना? फिर बताओ मुझे। तो मुझे वही बात है भाई, कोई भी हेट नहीं फॉरएवर लिविंग से, आप कंटिन्यू फॉरएवर करो, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। बट ऐसी एक भी इनकम सोर्स ढूंढ लो जहां से आप उसका लीड्स का पैसा भी कमा पाओ और खुद की आप खर्च भी निकाल पाओ, फैमिली को सपोर्ट कर सको। ओके, बाकी यही चीज़ें थी आज के वीडियो में, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया इस वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है ना, तो ज़रूर 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 जाके देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उन वीडियोज़ से। ओके।